जय हिंद साथियों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप यूट्यूब चैनल पर, एसएससी एग्जाम्स है एग्जाम्पल पर। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। हाँ थोड़ा सा एक्साइटमेंट में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल पे आप सभी का स्वागत है। तो एक बार सेशन को जिसने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो और अपने साथियों के साथ में शेयर करके आ जाओ, ताकि आज के सेशन को हम लोग बहुत अच्छा और जबरदस्त बना पाए। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के साथ में, ठीक। सो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, हैदराबाद रियासत को शामिल किया गया, भारतीय संघ में मिलाया गया, कब मिलाया गया, कब मिलाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दो। हाँ, हैदराबाद रियासत की, देखो अगर बात करें पहले 565 रियासतें हुआ करती थी, 565 रियासतें हुआ करती थी, है ना। और हाँ, हैदराबाद रियासत को देखो 562 तो स्वेच्छा से हो गई थी, और बाकी रियासतें जो बची थी, तीन रियासतें जिसमें आपकी एक जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, ये तीन रियासतें थी, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उस पर प्रयास पर कश्मीर को के राजा हरि सिंह जी थे उनके द्वारा विलय पर हस्ताक्षर किए गए थे। फिर वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ और हैदराबाद को 1948 में जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी उसके आधार पर इसमें शामिल किया गया था, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। और इस और जो कार्रवाई की गई थी उसका एक नाम दिया गया था और वो था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत जो है वो इसको इसमें शामिल किया गया था, मिलाया गया था, ये आपको यहां से याद रखना है, महत्वपूर्ण बनेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि बताओ निम्न में से, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन से राज्य को 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें, 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में लाया गया, फटाफट से इसका आंसर कर दो। और एक बार सभी लोग यार सेशन को लाइक शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के साथ में, सभी को सेशन को लाइक शेयर करना है, सभी लोग लाइक शेयर करेंगे, मैं भी लाइक शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी फटाफट से कर दीजिए, मैं भी लाइक शेयर कर रहा हूं सेशन को, आप लोग भी लाइक शेयर कर दीजिए सभी लोग। ये लो जी मैंने कर दिया शेयर, मैंने कर दिया शेयर, फटाफट से आप लोग भी कर दो। इसका आंसर बता दो फटाफट से, नहीं इसका आंसर बता दो फटाफट से। तो यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर इसका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा करेक्ट आंसर होगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो है वो इसका सही करेक्ट आंसर होगा। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसको 23वें और 24वें, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 23वें और 24वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। और गोवा की बात करें, ठीक है, गोवा की बात करें तो ये 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। गोवा को 25वें राज्य का दर्जा जो है वो 1987 में दिया गया था, 1987 में दिया गया था, ठीक है, 1987 यानी कि 1987 में। हाँ तीस मई 1987 में। बाकी अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आपको यहां से याद रखना है 20 फरवरी 1987, ठीक। हाँ, गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत किया गया था, ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यहां पर राज्य का दर्जा देने की बात की जा रही है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस कब मनाया? 48वां राज्य दिवस से मतलब नहीं है हमें,
हमें मतलब है कि इनका राज्य दिवस कब होता है, इनका राज्य दिवस जो है वो कब होता है, वो आप सभी ने बताना है, वो आप सभी ने बताना है। फटाफट से आंसर बता दो, फटाफट से आंसर कर दो कि कब होता है। तो आंसर हो जाएगा 21 जनवरी को होता है। अब 50वां कब मनाया, ठीक है 50वां पूछा जाएगा। देखिए 48वां मनाया उन्होंने 2020 में, 49वां 2021 में, 49वां जो है वो 2021 में, और 50वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो 50वां मनाया इन्होंने 2022 में, और 2023 में ये कौन सा मनाएंगे, 51वां। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। और ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों के लिए है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों के लिए 21 जनवरी, मतलब 1972 में इनको संघ में शामिल किया गया था, 1972 में, 1972 में इनको शामिल किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कब किया गया था, 1972 में, पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत, जो राज्य पुनर्गठन, पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था उसके तहत, 1971 के तहत इनको शामिल किया गया था। अगला सवाल है कि बताइए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। फटाफट से बताइए, बहुत अच्छे से आंसर करना है सबने, बहुत अच्छे से सभी ने आंसर करना है। हाँ बताइए, बहुत बहुत शानदार, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ डेली क्लास शाम 5 बजे होती है बेटा, रोज शाम को 5 बजे, इसका आंसर बता दो मुझे। तो यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 144 आर्टिकल 144 जो है वो इसका सही जवाब होगा, अनुच्छेद 144 यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। हाँ लेकिन अगर हम अनुच्छेद 157 की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, राज्यपाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं आपसे, जिसमें आपके यहाँ पर राज्यपाल बनने की योग्यता, उसकी नागरिकता, उसकी आयु, इन सभी की बात की गई है। अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे कि राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, राज्यपाल के लिए आयु की अगर बात कर ली जाए तो कितनी आयु उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूनतम आयु, ठीक। हाँ फटाफट से बताओ। और 121 जो है संसद में चर्चा पर जो है संसद में चर्चा से संबंधित है, अनुच्छेद 121 जो है आर्टिकल 121 निर्बंधन से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। हाँ तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 35 वर्ष की आयु। अगला सवाल देखो, अगला प्रश्न कहा गया है कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था, सभी ने आंसर करना है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर बताओ इसका। यहां अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1991 जो है वो सही जवाब होगा इसका, 1991, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो अनुच्छेद 191 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, सॉरी वर्ष 1991 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के जो एक न्यायाधीश वी राम स्वामी को हटाने के लिए जो है ये लोग एक प्रस्ताव लाए थे, उस पर हस्ताक्षर किए थे, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक। और जब किसी भी, मतलब जब न्यायाधीश को हटाना होता है उसके पद से, तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के लिए भी महाभियोग की प्रक्रिया है और न्यायाधीश के लिए भी महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है। हाँ तो ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न देखो और बताओ फटाफट से कि इसका आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखो फिर आंसर बताओ कि उच्च न्यायालयों और उनकी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है, कौन सा युग्म जो है वो सही ढंग से सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट से बता दो सभी लोग। हाँ प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे जाएं तो एच जे कानिया, वेल डन सम्राट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो फटाफट से इसका आंसर बताओ कि कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है। देखिए जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात का जो है गांधीनगर में नहीं है, अहमदाबाद में बेटा। कहां पर है? अहमदाबाद में। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का नैनीताल, ये बी जो है वो इसका सही जवाब होगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का संबलपुर नहीं है, उड़ीसा का जो है कटक में। कहां पर है? कटक में। अच्छा मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर में नहीं है, जबलपुर में। कहां पर है? जबलपुर में। ठीक है, इसी प्रकार से एक तो और है जैसे इलाहाबाद की बात, मतलब जो उत्तर प्रदेश का कहां पर है, अगर उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। ठीक, और पंजाब हरियाणा का पूछा जाए आपसे, ये आपका इलाहाबाद में होगा, इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, और अगर आपसे चंडीगढ़ पंजाब का पूछा जाए, सॉरी पंजाब और हरियाणा का, तो पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़ में। कहां पर है? चंडीगढ़ में। ठीक है, हाँ तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, कुल मेरा एक छोटा सा सवाल, कुल न्यायालयों की संख्या कितनी है? कुल न्यायालय, ये कुल न्यायालय से मतलब जो है मेरा, ये आपके उच्च न्यायालयों से मतलब है, मतलब ये हम, मैं हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं, कुल हाईकोर्ट की संख्या और जजों की संख्या भी कुल बता दीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न देखो और बताओ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? फोन कॉल का दोहन, टैपिंग की बात की जा रही है, रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है। हाँ वेल डन, बहुत शानदार, सभी सभी आंसर करो। हाँ तो आंसर की बात करें, आंसर 21 हो जाएगा, 21 करेक्ट आंसर होगा, 21 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ इक्कीस, चलो सिखों के 10 गुरुओं में से पांचवें गुरु कौन थे? सिखों के 10 गुरुओं में से पांचवें गुरु पूछे गए हैं, इसका आंसर बताएंगे। साथ ही साथ में इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो ऐसे क्वेश्चंस डिटेल में पढ़ने के लिए आपको हमारा ये बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, विजयपथ बैच। 60% डिस्काउंट मिल रहा है इसमें, CHSL60 कोड यूज करना है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्लास के PDF, बाई चांस गलती से कोई क्लास छूट जाती है तो आपको तो वहां पर आपको क्या होगा, वहां आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, बाई चांस क्लास छूटती है तो। दूसरी बात, मतलब वैसे तो सारी क्लासेस के रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको, और क्लास के PDF आपको दिए जाएंगे, मतलब जो बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा वो सभी PDF, आप यहाँ पे परेशान रहते हैं ना, PDF का मतलब क्या होता है? पहले दे दो फाइल। P से होता है पहले, D से होता है दे दो, और F से होता है फाइल, पहले दे दो फाइल। इनको फाइल पहले चाहिए तो वो आपको यहाँ मिलेगी, ठीक, PDF यहाँ मिलेगी।
अच्छा इसी के साथ साथ जो कुछ जो टॉपिक आपको कराया जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, इसमें आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ठीक। साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे और डाउट सॉल्व आपके जूम के थ्रू यहाँ पर कराए जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये, इसके लिए अभी आपको मात्र CHSL 60 कोड यूज करना है, मात्र 599 में ये बैच ज्वाइन कर पाएंगे। और फिर आपका CHSL 2022 का क्लास नोट्स है, 60% डिस्काउंट इनमें मिल रहा है। पिछले 2-3 दिन से दिखा रहा हूं कि नोट्स कैसे हैं, अल्टीमेट नोट्स है, मात्र 999 में आप ये नोट्स जो है वो ले पाएंगे। तो मैंने यहां पर बात करी थी आप सभी से, मैं यहां पर बात कर रहा था आप सभी से, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे। तो जब सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु की बात की जाती है तो वहां पर आपको अर्जुन देव जी का नाम याद रखना है, अर्जुन देव जी का नाम याद रखना है। गुरु अंगद की बात करें तो गुरु अंगद दूसरे थे, सेकेंड, प्रथम पूछ लिया जाए फर्स्ट कौन थे। अगर फर्स्ट की बात करी जाए तो गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव जी थे, गुरु नानक देव ठीक है। दूसरे कौन थे तो दूसरे अंगद, गुरु अंगद थे ठीक। तीसरे की बात करी जाए तो गुरु अमरदास, गुरु अमरदास जो है वो तीसरे गुरु हैं, गुरु अमरदास जो हैं वो तीसरे गुरु हैं, गुरु अमरदास तीसरे गुरु हैं ठीक। उसके बाद में यहां से आपको गुरु रामदास की बात की जाए तो ये चौथे गुरु हैं, फोर्थ, पांचवें अर्जुन देव जी हैं। और जब गुरु हरगोविंद सिंह जी की बात करी जाए तो ये सिक्स्थ है, छठवें ठीक है, ये याद रखना, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। और अंतिम गुरु पूछ लिया जाए अगर आपसे कि अंतिम गुरु का नाम बता दो मुझे, अंतिम गुरु का नाम बता दो, अंतिम या फिर दसवें पूछे जाए, अंतिम या फिर दसवें पूछे जाए तो गुरु गोविंद सिंह जी ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी, हाँ गुरु गोविंद सिंह जी ठीक है। हाँ यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक सारी चीजें। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा, हाँ चलो बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा। वेल्डन, बहुत शानदार, क्या बात है, अल्टीमेट। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो यार सभी लोग, है ना, सभी लोग अपने साथियों के साथ में एक बार लाइक शेयर करके आ जाओ। यहां अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दादरा नागर हवेली एवं दमनदीप, और एक चीज याद रखना, दादरा नागर हवेली और दमनदीप को एक कर दिया गया है, दादरा नागर हवेली और दमनदीप को एक किया गया है अब ठीक है। हाँ 2019 में अधिनियम लाया गया और 2020 में इसको एक कर दिया गया, अस्तित्व में लाया गया ठीक। आगे चलो अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था, लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था ब्रिटिश शासकों के द्वारा, कितने वर्षों तक शासन किया गया था, कितने वर्षों तक शासन किया गया था, लगभग कितने वर्षों तक शासन किया गया था बताएं। जी हाँ, तो यहां अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा 200 ठीक, लगभग 200 वर्षों तक। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज पूछा गया, जहांगीर के काल की बात की जा रही है। Who was the first Englishman to appear in the Mughal court during Jahangir's reign? हाँ, तो आंसर क्या होगा, मुगल बादशाह जो जहांगीर था उसके शासनकाल के दौरान
1605 से 1627 तक उसका शासन काल था, ठीक है। अगर शासन काल पूछा जाए तो 1605 से 1627, ठीक। और हाँ, और इसमें कौन आया था, तो 1608 में विलियम हॉकिंस आया था, 1605 से 1627। और इसके बीच में 1608 में कौन आया था, विलियम हॉकिंस आया था, और ये 1608 में भेजा गया था और 1609 में आ गया था। 1608 में भेजा गया था, 1609 में दरबार में पहुंचा था, ठीक है। चल आगे देखो अगला प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के पास भेजा था। अभी जस्ट बताया था तुम्हें, हाँ, इसकी अब मॉर्निंग हो रही है, देखो बताओ फटाफट से। अभी जस्ट बताया था, आंसर इसका डी होगा, ठीक है। डी 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 बताओ, भी डी नहीं होगा। पप आगे देखो अगला प्रश्न। निम्न पर्वत श्रृंखला में से डोडाबेट्टा सबसे ऊंची चोटी है। डोडाबेट्टा कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, डोडाबेट्टा जो है वो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। देखो जब हम विंध्या की बात करें तो विंध्या की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। कौन सी है मेरे लाल, अमरकंटक, मेरे पीले अमरकंटक, याद रखना है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो धूपगढ़ है। कौन सी है मेरे लाल, पीले, हरे, नीले, धूपगढ़। अरावली की पूछी जाए तो अरावली की कौन सी है, गुरु शिखर है। कौन सी है मेरे लाल, पीले, हरे, नीले, गुरु शिखर। अरे पूछा है डोडा बेटा तो फिर नीलगिरी की होगी, किसकी होगी, नीलगिरी की, ठीक। चलो क्लियर यहां तक सबको, हाँ चल वेल डन। एक यहां पर गुरु शिखर की ऊंचाई पूछ ली जाए आपसे तो 1722 याद रखना, 1722 मीटर ऊंचाई है, राजस्थान में है ये राजस्थान में है। आगे देखो इसका बताओ फटाफट से, गुरु शिखर। ओहो ओहो ओहो, मतलब हद हो गई कतई, मेरा बताना जरूरी था क्या, वहां पर राजस्थान ये है। 1722 अभी जस्ट बताया, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, लगभग 800 किलोमीटर लंबा है ये अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला में आता है और लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, फैला हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न, नंदा देवी चोटी जो है भारत के किस राज्य में है, नंदा देवी किस राज्य में है। देखो नंदा देवी चोटी पूछी है तो नंदा देवी चोटी अकेली याद थोड़ी रखनी है, और भी याद रखने हैं, और क्या क्या याद रखना है आपको, केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये कहां पर है, ये पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में। कंचनजंगा कहां पर है, ये मैं भारत की बता रहा हूं, कंचनजंगा भारत की हाईएस्ट चोटियां, केटू सबसे ऊंची है, फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में, कंचनजंगा सिक्किम में,
नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, हाँ। तो ये याद रखना, ये है, इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो मेरा एक छोटा सा सवाल, गॉडविन की ऊंचाई बता दो मुझे फटाफट से, गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई बता दो। ये लो, आधा काम मैंने कर दिया के। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ ली जाए तो वो तो आप सबको पता है, वो तो आप सबको पता है। चलो इसको भी आंसर कर दिया, 86-11, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क भी है, ये क्या होगा। अगला सवाल, धौलाधार श्रृंखला पूछी गई है। धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है बता दो फटाफट से। धौलाधार कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? धौलाधार पूछ लिया है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, हाँ। पंजाल पर्वत पूछा जाए, चलो धौला, पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं। तो धौलाधार की बात की जाए तो आंसर इसका ए हो जाएगा, लघु हिमालय का, लघु हिमालय। अब देखो कुछ लघु हिमालय के महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिन श्रृंखलाओं की अगर जैसे मैं यहाँ पर धौलाधार की बात कर रहा हूँ तो लघु हिमालय में पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में सबसे लंबी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको पीर पंजाल पूछी जाए या धौलाधार पूछा जाए तो धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है श्रृंखला, हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल, पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और पीर पंजाल के बाद में यहां से महाभारत पर्वत भी पूछा जा सकता है, कहां का है महाभारत पर्वत? महाभारत पर्वत, तो जब महाभारत पर्वत की बात की जाती है तो महाभारत पर्वत जो है वो नेपाल में है, कहां पर है? नेपाल। इसके अलावा आपसे पूछा जाए मसूरी पर्वत, मसूरी, मसूरी तो आप सभी जानते हैं कहां पर है, मसूरी नैनीताल उत्तराखंड, मसूरी, मसूरी पर्वत उत्तराखंड। अगला देखो प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दुनिया की छत के रूप में जानते हैं? दुनिया की छत, छत किसको कहा जाता है? दुनिया की छत किसको कहा जाता है? दुनिया की छत किसको कहा जाता है बताओ, हाँ। तिब्बत, तिब्बत इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसको हम पामीर के पठार के नाम से भी जानते हैं, पामीर का पठार, पामीर का पठार, ठीक है, हाँ। तिब्बत के पठार का चीनी नाम कोंगलिंग, कोंगलिंग है, और उसे हम पामीर का पठार भी बोलते हैं, हाँ। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र नदी, देखो ब्रह्मपुत्र नदी की बात आई है तो इसमें याद रखना जहां से इसका उद्गम होता है तिब्बत से, वहां इसको सांगपो कहते हैं, फिर इसको दिहांग दिवांग कहा जाता है, ठीक है, तो कई एक बार करा चुका हूं, फिर इसको दिहांग दिवांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में जब भारत में एंटर करती है, फिर ये असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। और यहीं पर ये जो है सबसे बड़ा नदी डेल्टा, सबसे बड़े नदी डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली, ये सी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में, और सबसे छोटे का भी उमानंदा, वो भी आपका यहीं पर है उमानंदा, ठीक। और उसके बाद में इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, फिर यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ठीक है, हाँ। चलो
और लगभग 1000 किलोमीटर लंबा पठार है ये, लगभग 1000 किलोमीटर लंबा पठार है, ठीक है। चल, नागार्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है? नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस किन नदियों पर जो है पूछा गया है, किन नदियों पर निर्मित है? वर्णन, गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, बंगाल डेल्टा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये नदी डेल्टा जो है वो भी इसी पर बनता है। तो यहां पर आगे हम बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर बता दो मुझे, इसका आंसर बता दो कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। देखो, नागार्जुन की बात की जाए, अलमट्टी की बात की जाए, श्रीशैलम की बात की जाए, ये सब कृष्णा पर है। अलमट्टी, श्रीशैलम, नागार्जुन, ये सब कहां पर है? ये सब आपके कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। सतलज की बात करें तो नाथपा झाकरी और कोल डैम, सतलज पर नाथपा झाकरी और कोल डैम, कोल डैम, ठीक है। और अगर झेलम की बात करें तो उरी और तुलबुल, ठीक है, उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना, तुलबुल, चुलबुल नहीं है, तुलबुल है। और जब नर्मदा की बात की जाए तो नर्मदा पर आप सभी को पता है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, और नर्मदा नदी के किनारे आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, ठीक है। 182 मीटर लंबाई भी आपको, ऊंचाई भी इसकी याद रखनी है, और नर्मदा नदी के किनारे है, राम सुतार इसके वास्तुकार हैं। चलो आगे देखो, कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के साथ संबंधित है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में संबंधित है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में संबंधित है, फटाफट से आंसर बताओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बताओ फटाफट से, माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इजी है, इजी 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 इजी, इजी है नहीं, मतलब कह रहा हूं सवाल इजी है, क्वेश्चन इजी है, लुल्लू पुच्चू क्वेश्चन है, 2017 के सीएचएसएल में पूछा गया था। प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस के कारण पब्लिक स्कूलों में दाखिले में वृद्धि, ये आपका डी इसका सही जवाब होगा, डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। किशन भाई बेटा, जाने वाले को आजकल आज तक दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई है, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति। चल इसका आंसर बताओ, जब राजकोषीय घाटा अधिक हो जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन आपसे पूछा है, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देना सभी लोग, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक शेयर कर देना सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो कीमतें बढ़ जाती है भैया, कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़, कीमतें ना बढ़ेंगी ना घटेंगी, कीमतें स्थिर नहीं रहती, कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता, कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता, डी इसका सही जवाब होगा। आगे देखो, अगला प्रश्न, अगला सवाल बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है, बताओ फटाफट से।
राजकोषीय नीति का घटक नहीं है, ये पूछा है आपसे। हाँ, सेशन को लाइक शेयर भी कर देना सभी, समझ आ रहा है? हाँ, सेशन को लाइक शेयर भी कर देना सभी। आंसर क्या होगा इसका? व्यापार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? व्यापार नहीं है। देखिए, राजकोषीय नीति में सरकारी खर्चे आ जाएंगे, सार्वजनिक ऋण आ जाएगा, कराधान आ जाएगा, ये सब फिस्कल पॉलिसी। व्यापार नहीं आता है, व्यापार नहीं आता है, व्यापार नहीं है उसमें फिस्कल पॉलिसी में, यानी कि राजकोषीय नीति में। भारत में वित्तीय नीति का उद्देश्य कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा वित्तीय नीति का उद्देश्य नहीं है भारत में? भारत में इनमें से कौन सा वित्तीय नीति का उद्देश्य नहीं है? फटाफट से बताओ आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, हल्के में मत लेना कतई भी। हाँ, क्या होगा आंसर? गुड, रोहित भाई हमारा झांक रहा है, झांक के देख रहा है, हमारे एडिटर भैया है ना। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सीजीएल में पूछा गया था, 2016 के सीजीएल में, 2016 के सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है, 2016 के सीजीएल में पूछा गया सवाल। और ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो ध्वनि तरंगों से नहीं जुड़ा है? ध्वनि तरंगों से नहीं जुड़ा है, ये बताओ फटाफट से। ये 2016 के सीजीएल में ये भी पूछा गया सवाल है, 2016 के सीजीएल में ही पूछा गया प्रश्न है, बताओ फटाफट से इसका आंसर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेल डन। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द नहीं जुड़ा है? आंसर की बात करें तो कैंडेला इसका आंसर होगा, कैंडेला सही जवाब होगा, 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, सीजीएल के। अगला प्रश्न देखो, बताओ पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाँ, क्या कहा जाता है बताओ फटाफट से, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहां पर अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा? ये इस 2017 में एसएससी ने पूछा था इसको, 2017 में एसएससी ने पूछा था इसको, 2017 में एसएससी ने पूछा था इस सवाल को। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम यहां पर बात करें, इथोलॉजी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, इथोलॉजी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, हिम तेंदुए का निवास स्थान कहां पर है? हिम हेमिस नेशनल पार्क में है हिम तेंदुए का निवास स्थान, और जो हेमिस नेशनल पार्क है वो कहां पर है? हिम तेंदुए का निवास स्थान कहां पर है? हेमिस नेशनल पार्क में है। हाँ, और इस और यहां पर मतलब ये हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? इसकी स्थापना की बात करें, 1981 में इसको स्थापित किया गया था, 1981 में हेमिस नेशनल पार्क को। हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है? तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, लद्दाख की जब बात की जाती है, दो जिले हैं लद्दाख में, एक है आपका कौन सा, एक जिला है तुम्हारा, यहाँ पर दो जिले हैं जिसमें से एक तुम्हें याद रखना है, एक जिला कौन सा है, एक है यहां से तुम्हारा, हाँ दो जिले हैं लद्दाख में, जिलों के नाम बता दो एक बार मुझे। 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, अक्टूबर 2019 में। एक है लेह और दूसरा है कारगिल, एक है लेह दूसरा कारगिल, ठीक है, तो ये भी याद रखना, लेह और कारगिल। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल, जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए,
तो अरुणाचल प्रदेश में आपका पखुई वन्यजीव, पखुई नेशनल पार्क है, कौन सा है? पखुई नेशनल पार्क, पखुई नेशनल पार्क कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, हाँ, जिसमें हाथी, हिरन और अजगर आदि के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से नेशनल पार्क, कोई बताएगा मुझे एक कोई नेशनल पार्क का नाम बताओ। मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं आपसे। चलो प्रीति जी, इथोलॉजी होगा एकदम श्योर, तो लास्ट का इथोलॉजी ही कराया ना मैंने। चलो, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, फटाफट से बताओ। बांदीपुर नेशनल पार्क, अच्युतम केशव, ओके तोमर साहब, समझ गए हम। समझ गए, हे तुम टकली कराए हो, खेलो वही मैं कहूँ कि आजकल इसको ठंड बहुत, ये मैं भी यार ये कर लूँ तो ज्यादा सही है ना, ये तेरे पता थोड़ी चलते कि टकली कराए हुआ है, मेरे बाल करा दूँ मैं साफ, आपको सही लगे, सही लग रहे हैं बाल, रहेंगे नहीं झड़ते बहुत, इसलिए ना टकले हो, टकला हो जाऊंगा मैं, ब्याह नहीं होगा है इसीलिए तुमने कराया, तुम तो स्मार्ट से लगते हो, ऐसे ही करा, ऐसे ही अच्छा, ऐसे ही बताओ, ऐसे ही। एक आजकल वो इंस्टाग्राम पे रील बहुत चलती है, वो एक रील नहीं चलती है कि तो कोई और ना पसंद कर ले इसलिए मैंने होलिया ही बदल दिया अपने, ऐसा कुछ नहीं है, सही बताओ पक्का, शर्मा रहे अरे रहन दो रोहित भाई, चलो इसका बांदीपुर का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो पेंच, माधव, कन्ना, अब वो सॉरी पन्ना, ये सब कहां पर हैं? ये सब आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, ये सब आपको याद रखने हैं। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी है, ठीक, कांगेर घाटी, हाँ चलो, तो याद रखना है, कल से मैं भी कैप लगा के आऊ, है ना, इसका मतलब मैं वो करा के आऊ। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य है? हाँ कमेंट लेट नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा हो, शायद जीके जीएस का कोई गाना वाना नहीं है, यार ये लाइट वाइट सही कराओ स्टूडियो की, मैं इतना काला हूं वैसे है? सही सही बताना, लगी तक्का नीचे लग गई। चल तो इसका आंसर यहाँ पे बता दो, बट हंसता बहुत है यार, भाई है मेरा रोहित नाम है इसका भी, इसका आंसर क्या होगा? बाघ इसका सही जवाब होगा, ठीक है, बाघ इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो अच्छा, बाघों की बात की गई है, टाइगर की है ना, तो टाइगर जो मतलब सर्वाधिक अभयारण्य पूछे गए हैं, टाइगर 528 है यहाँ पर, 526 है आई थिंक, और 528 सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है, फिर 524 कर्नाटक में है, 524 कर्नाटक में, और ये गणना हुई थी 2018 में, 2018 की गणना के अनुसार मैं बता रहा हूं,
ठीक है। हाँ काना पेंच पन्ना, जब काना की बात आती है तो फिर अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। ये बैच है हमारा विजयपद बैच एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए। जैसे हमारे मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं, लाइक आप देखो अभी आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, मैं बैच की बात करूंगा, अभी अभी ये क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, कोई जाएगा नहीं, कोई यहां से हिलेगा नहीं। अभी देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, सबसे पहले यहाँ पर बिहार खुल के आ रहा है, ये बिहार जो चैनल है बिहार पुलिस बिहार दरोगा का, यहाँ पर आपको बिहार के लिए तैयारी कराई जाती है, बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते होंगे उनकी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, तो इस पे जाके जो बिहार से है ऐसे बच्चे या जिनके रिश्तेदार बिहार में है वो यहां से कर सकते हैं। बाकी अभी एग्जाम्पल टीचिंग स्कूल भी है हमारा एक चैनल, एग्जाम्पल टीचिंग स्कूल, जहां पर मेरी क्लास होती है, मैं पढ़ाता हूं वहां पर, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाता हूं। ये ब्लैक बैकग्राउंड में मैं सही लग रहा हूं, ये सही है है ना। तो टीचिंग स्कूल भी हमारा है जहां पर टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी होती है, वो कोई भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम, ठीक है। तो 500 खोपड़िया में कुर्सी मार दूं तुम्हारे में, 500 बोल के 25 कराते हैं, और 25 से रिलेटेड कितने फैक्ट बता देता हूं, और एक दिन में थोड़ी कराने हैं तुम्हें, ये टीचिंग से रिलेटेड है हमारा, तो टीचिंग से रिलेटेड हमारी इस पे क्लासेस चलती हैं सारी की सारी, और रोहित सर की भी क्लास तुम्हें इसमें मिल जाएंगी, ठीक। तो ये सब हमारे चैनल्स हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम लोग को घर के लिए दे रहा हूं, अच्छा उससे पहले ये बैच ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं किया है, बुक्स नोट्स भी है हमारे, तो तुम्हें एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूं, वो मुझे ऑफलाइन में कमेंट करके बता देना सभी, ठीक, ऑफलाइन में कमेंट करके बताना। एक छोटा सा सवाल है और क्वेश्चन केवल इतना है, जो अभी G20 है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है वर्तमान, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, मैं छोटा सा सवाल कि G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसका ऑफलाइन में कमेंट करके बताना आप, है ना। हाँ तो और फिर अब कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बढ़िया से छिल मारिए।